इनकी वाइफ था, तो इनकी वाइफ से एक पर्सनल इंटरव्यू अच्छे तरीके से लेना चाहिए, उनसे रीज़न पूछना चाहिए उन्हें क्या अनसेफ लगता है हमारे देश में और कौन सा देश है जहाँ उन्हें ज़्यादा सेफ लगता है। अगर आप ये बताओ चद्दर ऐसे ऐसे वहाँ पे चढ़ाई जाती है, दरगाह भी चढ़ाई जाती है, पत्थर नहीं वो शिवलिंग है, शिवलिंग है वो, शिवलिंग मजाक बनाया जा रहा है शिवलिंग का भी। शिवलिंग का मजाक कहाँ उड़ाया जा रहा है यार, अब वो बात तो फैक्ट ही दिखा रहे हैं ना एकदम एक तरीके से। अब ये बताओ मंदिर अगर वो पैसा जो है किसी गरीब के पेट में जाएगा तो कितना अच्छा है वो। अब यार हिंदुस्तान में मूवी तो हमारे भगवान के ऊपर ही बनेगी ज़्यादा, अब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे अब मजाक भी कहाँ उड़ाते हैं मूवी पे ऐसे। वो जल चढ़ा रहा है वो, उसमें तो बातें भी तो सिखाते ही हैं ना इन द एंड दी एंड, वो कुछ सिखा भी तो रहा है। आप उसको मनोरंजन के तौर पे लीजिए, जो जिनके सेंटीमेंट ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं भाई वो मत लीजिए। यहाँ इंडिया में हर तरीके के लोग हैं तो सबका कोई किसी के सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं किसी के नहीं हो रहे हैं, ये तो इंडिविजुअल की चॉइस है। तो मेरे को नहीं लगता, मतलब ठीक है जिसको जैसे रिएक्शन देना है वो दीजिए, मेरी साइड से तो मैं न्यूट्रल ही हूँ। मतलब ये सहनशीलता ये हमारे रग रग में है, हमारे खून में है, हमें नहीं लगता है कि और एग्रेसिव होना चाहिए। हाँ हमें शांत प्रभाव से ही काम करना चाहिए लेकिन अपने अंदाज से। मूवी का बायकॉट किया जा रहा है लाल सिंह चड्ढा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से, क्या ऐसी मूवी का बायकॉट किया जाना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए जो एंटरटेनमेंट, उस एंटरटेनमेंट के साइड ही रखना चाहिए। अब जैसे आपने कहा पीके में शिवजी को इन्होंने भगाया, वो एक एंटरटेन था, तो ऐसा सब भगवानों के साथ ये कर सकते हैं। अब लाल सिंह चड्ढा को अगर हम देखें एंटरटेनमेंट के रूप में देखें तो वो अच्छा है, लेकिन अगर ये ऐसे स्टेटमेंट देते हैं इंडिया के लिए कि इंडिया सेफ नहीं है और समथिंग लाइक दैट, तो उस चीज़ को हमको समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जहाँ आप रहते हो, जहाँ का खाते हो, जहाँ पे आप पूरी ज़िंदगी जी लिए, तो उसको कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है या कुछ कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचा। आप जैसे उनके इतने सारे फ़ैन हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, तो उनको भी यही लगता हुआ वो उन्हीं के पसीनों पर चलेंगे, तो उस तरीके से रहना चाहिए कि एक एग्ज़ाम्पल सेट हो आपका कि आप ना तो देशद्रोही हो ना देश के इतने ही ज़्यादा सपोर्टिव हो कि किसी और देश को बुरा लग जाए। तो सबको अकॉर्डिंगली एक मतलब न्यूट्रल टाइप रहना चाहिए और अपनी भावनाएं वो रिएक्ट करना चाहिए कैसे भी करो, वो उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी है, वो जो कहना चाहे, लेकिन ऐसा करना चाहिए जो उन्हें फैंस को बुरा ना लगे उनके। अच्छा मूवी में जिस तरीके से जो बात बताई जा रही कि इन्होंने, जैसे आपने जिक्र किया कि इनकी पत्नी ने कहा कि इस मतलब देश में डर सा लगता है, तो ऐसा कहना, तो आज जो इसका बायकॉट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा देश के प्रति ऐसा कहा, मूवियों में भगवान को ऐसा दिखाया गया, तो हम इनकी मूवी का बायकॉट करेंगे। अब इनकी वाइफ था, तो इनकी वाइफ से एक पर्सनल इंटरव्यू अच्छे तरीके से लेना चाहिए, उनसे रीज़न पूछना चाहिए उन्हें क्या अनसेफ लगता है हमारे देश में और कौन सा देश है जहाँ उन्हें ज़्यादा सेफ लगता है, सब चीज़ें उनसे जाननी चाहिए, उसके बाद हम इस पर रिएक्ट कर सकते हैं अच्छे से। क्या लगता है बायकॉट किया जाना है क्या इस मूवी का जो पूरे लोग लगे हुए हैं? ऐसे बायकॉट करना तो ठीक नहीं है, उसको स्टोरी देखनी चाहिए, अगर उसकी स्टोरी किसी की भावनाओं को मतलब ज़्यादा ही असर डालती है उसकी स्टोरी, तो बिल्कुल बॉयकॉट होनी चाहिए। वो एक बार उसकी मूवी पहले रिलीज होनी चाहिए, रिव्यूज़ देखने चाहिए, उसके बाद इस चीज़ डिसीजन पे आना चाहिए। आप क्या कहोगे सर, एक मुहिम चल चुकी है कि पहले जो इन्होंने काम किया है उसका कहीं ना कहीं इनको फल दिया जाए, बॉयकॉट किया जा रहा है मूवी का कि आगे भी जो भी मूवी आएंगी बॉलीवुड में, क्योंकि ऐसा एक ट्रेंड चल गया है कि भगवानों का मजाक बनाना। मजाक अब देखो यार सब धर्म अपने अपने अलग होते हैं, अब किसी के धर्म को ठेस पहुँचाना बहुत गलत है, ठीक है। अब ये मत करो कि किसी को भगवान को भगा रहे हो आप, ठीक है। अब वो एक एंटरटेनमेंट, जैसे इन्हें कहा एंटरटेनमेंट था वो, तो उसको गलत देना बेकार है। अगर वो इंस्पिरेशन है मूवी तो इसे इंस्पायर भी होना चाहिए ना, कुछ सिखा भी तो रही है मूवी वो। जैसे कि अगर आप ओ माय गॉड देखोगे उसमें कितनी बातें सिखाई हैं कि अगर वो जल अगर किसी भगवान पे चढ़ाने के बाद दूध चढ़ाते हैं किसी गरीब को दिया जाए कितना अच्छा रहेगा वो जल। तो बॉयकॉट करना तो गलत है यार ऐसे मूवी को। जो लोग इसका बॉयकॉट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म को क्यों दिखाया जाता है और धर्म में उनके बारे में ऐसी मूवी क्यों नहीं बनाई जाती, उनके बारे में क्यों मजाक नहीं बनाया जाता। अब यार हिंदुस्तान में मूवी तो हमारे भगवान के ऊपर ही बनेगी ज़्यादा, अब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे अब मजाक भी कहाँ उड़ाते हैं मूवी पे ऐसे। वो जल चढ़ा रहा है वो, उसमें तो बातें भी तो सिखाते ही हैं ना इन द एंड दी एंड, वो कुछ सिखा भी तो रहा है, सिखा भी तो कुछ रहे हैं ना वो उस मूवी पे। अगर वो उसको दिखा रहे हैं कि ऐसा हुआ है पर सिखा भी तो रहे हैं इन द एंड, तो उसमें कि हमारी भावनाएं हैं, हम दूध चढ़ाएं पानी चढ़ाएं, ऐसा बॉलीवुड क्यों दिखा रहा है? ये तो हमारी अपनी पर्सनल राय है, पर्सनल सोच। आप इन द एंड देखो ना, वो हो तो वेस्ट ही रहा है ना, बात तो सही है एकदम वो। अगर आप ये बताओ चद्दर ऐसे ऐसे वहाँ पे चढ़ाई जाती है, दरगाह भी चढ़ाई जाती है, पत्थर नहीं वो शिवलिंग है, शिवलिंग है वो शिवलिंग मजाक बनाया जा रहा है शिवलिंग का भी। शिवलिंग का मजाक कहाँ उड़ाया जा रहा है यार, अब वो बात तो फैक्ट ही दिखा रहे हैं ना एकदम एक तरीके से।
अब ये बताओ मंदिर अगर वो पैसा जो है किसी गरीब के पेट में जाएगा तो कितना अच्छा है, वो किसी का भलाई तो हो रहा है उससे भी। लेकिन अधिकतर मूवी यही दिखाई गई है कि शिवलिंग पर दूध ना चढ़ाएं, किसी ऐसी मूवी में ये नहीं दिखाया गया कि मजार पर चादर ना चढ़ाएं। दूध चढ़ाना, आपको दूध ही चढ़ाना है तो पूरा पैकेट रख दो वहाँ पे, हल्का सा दूध चढ़ा दो। अपनी चादर पर सवाल खड़े क्यों नहीं किया, चादर पर कोई मूवी क्यों नहीं बनाई जाती, यही तो सवाल है। जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, आमिर खान का विरोध कर रहे हैं, वे यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हिंदू धर्म पर तो मूवी बना दी, लेकिन चादर क्यों चढ़ाई जा रही है, कैंडल क्यों जलाई जा रही है, इस पर आपने कभी चर्चा नहीं की। अब क्या कहोगे सर? अच्छा आप क्या कहोगे, ये तो कह रहे हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना ये तो सब वेस्ट है पूरा। जो जैसे आप कह रहे हैं कि चादर के बारे में कभी नहीं बताया, कैंडल के बारे में कभी नहीं बताया, आप ओह माय गॉड देखेंगे तो उसमें इनके बारे में भी डिस्कस किया गया। उसमें परेश रावल जी ने बोला है कि इतनी आप चादरें चढ़ाते हैं मज़ार पे, किसी गरीब को उड़ाइए, कैंडल किसी गरीब के घर में चलाइए, तो ये चीज़ तो बोली गई है। जहाँ एक एंटरटेनमेंट भी और जहाँ पे लोगों को सिखाने के लिए, दोनों चीज़ें बोली गई हैं। अब जहाँ तक लोगों की बात, लोग बोलते तो सभी हैं कि हमारे लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन जो लोग जितना ज़्यादा बोलते हैं खुद से भी हर कोई इतना मानता नहीं है अपने धर्म को। लोग कहने के लिए है कि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन आप उनसे पूछिए ना अपना धर्म कितना ज़्यादा मानते हैं। हर धर्म में कुछ ना कुछ लिखा कि हमें ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, वही जो लोग दूध चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो लोग ये भी तो कह रहे हैं कि हम गरीबों में भी दान करते हैं, हम अपने आराध्य को दूध भी चढ़ाएंगे, तो इसमें औरों को परेशानी क्यों है, क्यों मूवी बनाई जा रही है कि दूध मत चढ़ाइए वेस्ट हो रहा है। दूध मत चढ़ाइएगा सिर्फ इतना बोलना गलत है, ये है कि आप दूध भी चढ़ाइए, जिसको जरूरत हो आप उसको भी दीजिए, यही दोनों पॉइंट है मेरी साइड से तो। लेकिन अगर सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि दूध ना चढ़ाएं तो वो गलत है। और जो पीके में दिखाया गया भगवान शिव को भागता नजर आया, दिखाया गया उसमें, टॉयलेट में उनको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से आज लाल सिंह चड्ढा का विरोध किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं सर? देखो मेरा पर्सनल तो यही है, मैं तो मोस्टली एज एंटरटेन ही देखता हूँ, मैं इसको नहीं लेता कि ज़्यादा कि मेरे धर्म को कुछ ऐसा कह दिया, किसी और को कुछ ऐसा कह दिया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो अगर किसी के धर्म पे बात हो जाती है तो वो गर्दनें काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं तो एज ए एंटरटेनमेंट के तौर पे, के लोग हैं ना यहाँ इंडिया में, हर तरीके के लोग हैं, तो सबका कोई किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, किसी के नहीं हो रहे हैं, ये तो इंडिविजुअल की चॉइस है। तो मेरे को नहीं लगता, मतलब ठीक है जिसको जैसे रिएक्शन देना है वो दीजिए, मेरी साइड से तो मैं न्यूट्रल ही हूँ। मतलब जो मजाक बनाया जा रहा है वो एक मनोरंजन के तौर पर लेना चाहिए भगवानों को, आप उसको मनोरंजन के तौर पे लीजिए, जो जिनके सेंटीमेंट ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं भाई वो मत लीजिए। लगता है 80 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाना, भगवान को भागते नजर आना, ये मनोरंजन का साधन है क्या? नहीं, साधन तो बिल्कुल नहीं है सर मनोरंजन का, ये कुछ टाइम के लिए एक नज़रिया है बस, कि आप थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ को कैसे देख रहे हो। मूवी दो संदेश क्या जाएगा, जो आम लोग वीडियो देख रहे हैं वो तो यही सोचेंगे कि भगवान भागते हुए नजर आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, या संदेश क्या देंगे? मूवी जो बनाई जाती है वो किसी ना किसी संदेश के पीछे होती हैं, और उसमें संदेश में ये दिखाया जा रहा है कि भगवान ये करते हैं, पुजारी ये करते हैं, मंदिर में दूध चढ़ाना बेकार है, तो क्या संदेश जाता है इससे देशवासियों? संदेश तो एक मूवी बहुत सारे देती है, बात इस पे है कि सामने वाला जो देख रहा है वो क्या संदेश लेता है उस मूवी से। संदेश सबके लिए एक नहीं होता ना, कोई सोच रहा है ये गलत है, कोई सोच रहा है ये सही है, किसी को उससे नॉलेज मिलती है, किसी को उसे देख के गुस्सा आता है, तो आप एक जने का तो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मूवी आ रही है लाल सिंह चड्ढा, जिसका विरोध किया जा रहा है कि आमिर खान ने हिंदुओं की भावनाओं को जो आहत किया था उसका आज इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली बात ऐसा है कि लाल सिंह चड्ढा मूवी आ रही है, सही बात है, लेकिन विरोध अभी करने से नहीं होगा। ये जो पीके मूवी आई थी उसमें इन्होंने हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में बहुत उल्टा सुझाव बोला था। पीके जो मूवी आई थी ये कम से कम आज से 4-5 साल पहले आई थी, तो मुझे मेरा कहना ये है कि लोग जो विरोध अभी कर रहे हैं ये विरोध आज से 4-5 साल पहले होना था। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विरोध अब ना करें, लेकिन ये जो विरोध है ये बहुत ही पहले आना चाहिए था। तो क्या लगता है अब जो विरोध हो रहा है वो सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आमिर खान ने जो किया था इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि इंडिया में वो सेफ नहीं है, उनके बच्चे सेफ नहीं है, उनके वाइफ सेफ नहीं है, उसके चलते ये जो विरोध है मैं कहता हूँ कि ये सही बात है। उनको अगर ये देश सही नहीं लग रहा या यहाँ पे ये सेफ नहीं है तो मेरे को लग रहा है कि हाँ पीपल जो कर रहे हैं, आम जनता जो कर रही है वो सही कर रही है। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि लोगों का ये कहना है कि ये लोग सिर्फ एक धर्म को क्यों टारगेट करते हैं, हिंदू धर्म से इनको क्या चिढ़ है कि बार बार यही मजाक बनाना, भगवानों को ऐसा दिखाना, पुजारियों को चोर दिखाना, लालची दिखाना? ऐसा है कि हमारा ये जो देश है ये हिंदुओं का देश है, ठीक है, और हिंदू धर्म में ऐसा कभी
हमने पढ़ा भी नहीं, हमने देखा भी नहीं कि हिंदू मतलब कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं। हिंदू शांत प्रभाव के हैं, वो सहना जानते हैं, इसलिए लोगों ने ये विश्वास कर लिया कि हाँ ये लोग जब सहेंगे तो हम लोग बोलते ही रहेंगे, इसलिए शायद ऐसा होता होगा। क्या लगता है भगवानों का मजाक जो बनाया जा रहा है, तो क्या सहनशीलता जो हमारी है वो पूरी हो चुकी है, क्या विरोध होना स्टार्ट हो चुका है? नहीं, सहनशीलता ये हमारे रग रग में है, हमारे खून में है। हमें नहीं लगता है कि और एग्रेसिव होना चाहिए। हाँ, हमें शांत प्रभाव से ही काम करना चाहिए, लेकिन अपने अंदाज से। क्या भगवानों का अपमान सहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवानों का अपमान सहेंगे। मैंने जस्ट आपको गाली दे दी, क्या आपको गाली लगा? नहीं लगा। वैसा ही अगर आपने मेरे भगवान को गाली दे दिया, मेरे भगवान को गाली नहीं लगा, उल्टा आपका मुंह ही खराब हो गया, तो हम तो सहनशीलता में मतलब विश्वास रखते हैं। तो मतलब जो बायकॉट हो रहा है वो सही है, मतलब उस हाँ, मैंने तो पहले ही आपको कहा था ना, ये जो बायकॉट हो रहा है ये आज से 5 साल पहले ही होना था, लेकिन ये 5 साल बाद हो रहा है या 6 साल बाद हो रहा है। लेकिन निवेदन भी कर रहे हैं कि मूवी को देखने जाएं, देखकर बताएं, क्योंकि मेहनत लगती है, लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। नहीं, लोगों की मेहनत लगती है, वो कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कर, जो आम जनता तो नहीं कर रही है, वो उसका बिजनेस है, बिजनेस में वो सब जायज़ है, वो आम को जनता को लुभाने के लिए सब कुछ करेगी। अब ये आम जनता के ऊपर है वो पिक्चर देखने जाए या ना जाए।